गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ में इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 7 द इंटेलिजेंट टेलर पार्ट 1 की आपको आगे की एक्सरसाइज कराएंगे। कल चैप्टर की एक्सरसाइज पार्ट में हमने आपको ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट कराए थे और कुछ वोकेबलरी के सेंटेंस मेकिंग आपको होमवर्क दिए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर की आपको ग्रामर स्किल्स और लिसनिंग एंड स्पीकिंग करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 38 पे है। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और इसे बुक में ही फिल करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसे अपनी नोटबुक में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द पास्ट कंटीन्यूअस इज फॉर्म्ड द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी विद द ing form of the verb, यानी कि जो past continuous tense है हमारा, tenses में past continuous tense है, वो past tense में verb के साथ में ing लगाने से बनता है। जैसे कि example देखेंगे, were decorating, एक decorate होता है, verb हमारी decorate है, उस verb के साथ में हमने ing लगाया और ये जो sentence है past continuous sentence हो गया। ऐसे ही was doing, do verb है और plus ing हमने लगा दिया। कैरी प्लस आई एन जी, ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ई में देखेंगे, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे हर ब्रैकेट में एक वर्ब दे रखी है, उनकी आपको सही फॉर्म भर के इन फिलअप में भरना है जिससे एक सही कंप्लीट सेंटेंस बनता है। फर्स्ट है हमारा, रोहन वास डैश ए ब्लू काइट, ब्रैकेट में हमें दिया है फ्लाई। यहाँ कहा है कि रोहन जो है वो पतंग उड़ा रहा है, यानी कि उड़ा रहा है, पहले उड़ा रहा है, मतलब पास्ट कॉन्टीन्यूस अभी भी चल रहा है, तो फ्लाई के साथ में हम आई एन जी लगाएंगे, एफ एल वाई आई एन जी, फ्लाइंग। द पोस्टमैन वाज डैश सम लेटर्स, यहाँ पे वर्ब हमें डिलीवर दे रखी है, तो इसे पास्ट कॉन्टीन्यूस में बनाने के लिए हम डिली वर्ब के साथ में क्या करते हैं, आई एन जी लगाते हैं, डिलीवरिंग, डी ई एल आई वी ई आर आई एन जी, डिलीवरिंग। नेक्स्ट है, इट वाज डैश सो आई कैन नॉट गो आउट, रेन, रेन हमें वर्ब दे रखी है, तो इट वाज रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है, पास्ट कॉन्टीन्यूस है, रेनिंग। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन वर डैश इन द फील्ड, और प्ले दे रखा है, तो इसे भी हम प्लेइंग हो जाएगा, ये खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। टीना एंड रीमा वर गो टू स्कूल, गोइंग, जा ही रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कंटिन्यूस है अभी भी पास्ट कंटिन्यूस, गोइंग, जी ओ आई एन जी, गोइंग। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर ई। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, लिसन एंड स्पीकिंग का, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का, सॉरी। फर्स्ट है, लिसन टू द स्टोरी एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स, यहाँ आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं उनका आपको स्टोरी के हिसाब से मीनिंग बताना है, मतलब बताना है। तो हॉकर, हॉकर का हिंदी मतलब होता है फेरी वाला। अगर हम इसका एक और वर्ड लिखें यानी सिनोनिम लिखें तो हम वो लिख सकते हैं स्ट्रीट सेलर, स्ट्रीट सेलर, यानी कि जो गलियों में जाके बेचते हैं जिन्हें हम फेरी वाला कहते हैं उन्हें हम हॉकर या फिर स्ट्रीट सेलर कहते हैं। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड या फिर समूह, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं बंच, बी यू एन सी एच, समूह, क्लस्टर मतलब समूह और बंच का मतलब भी समूह होता है, तो क्लस्टर का मतलब हुआ बंच। अब यहाँ है जाइंट, जाइंट का मतलब होता है विशाल, तो हम इसमें मॉन्स्ट्रस लिख सकते हैं, एम ओ एन टी आर ओ यू एस, मॉन्स्ट्रस यानी राक्षसी है। एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, तो आश्चर्यचकित एक वर्ड और एस्टोनिश का हम लिख सकते हैं जो कि होता है सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्यचकित होता है, एस यू आर पी आर आई एस ई, सरप्राइज। स्कोर, स्कोर मतलब अंक या फिर टोटल, तो इसलिए हम इसका एक और मीनिंग क्या होगा, रिजल्ट,
नतीजा यानी स्कोर क्या रहा, रिजल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज के लिए एक्सरसाइज कंप्लीट। आज का आपका होमवर्क है डू क्लास वर्क इन बुक एंड नोटबुक। सी यू टुमॉरो। थैंक यू।